लगता है कि आपने मतलब पूरे इंडिया में खेला हुआ है, तो बात करेंगे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे पास अवेलेबल है। जो बाहर में है वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करने की यहाँ पे जरूरत होगी हमें कश्मीर में, क्योंकि टैलेंट की तो कमी नहीं है हमारे पास। एक्चुअली पता है मेन रीजन क्या है, यहाँ पे हमें ग्राउंड्स की वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आप दिल्ली में जाओगे, अगर आप T20 मैच खेलोगे, आपको 10-20 हज़ार चार्ज करेंगे ग्राउंड। बिल्कुल हाँ। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, वो लोग टर्फ पे आप लोगों को खिलाते हैं, वहाँ की एसोसिएशन वो सब काम करती है छोटे छोटे ग्राउंड पे। इवन मैं कलकत्ता जाता था लीग खेलने के लिए, इस ग्राउंड के आप चार हिस्से कर दीजिए, इतने छोटे छोटे ग्राउंड थे और टर्फ विकेट थे वहाँ पे, वो एसोसिएशन उनको प्रोवाइड करता। आप लोग यहाँ पे खुद ये टूर्नामेंट कर रहे हो, आप सारा कुछ मेंटेन खुद, इतनी बारिश के बाद आप विकेट मेंटेन करो, बहुत टफ है ये मुझे भी पता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप हर दिन विकेट अच्छी होगी, हर दिन होगा, जब आपके पास वो इक्विपमेंट है ही नहीं, इक्विपमेंट तो कुछ है ही नहीं, आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है एसोसिएशन के थ्रू। एसोसिएशन को चाहिए कि ये सब चीजें, इतने सारे पैसे आते हैं, करोड़ों पैसे आते हैं, डीसी से पैसे किस लिए भेजती है, या आप देख लीजिए वो खेलो इंडिया में इतने सारे पैसे, मुझे लग रहा है वो सबसे फजूल टूर्नामेंट हो रहा है। बिल्कुल कोई बोलेगा वो अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो वेस्ट ऑफ टैलेंट हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। आप इतनी हजार टीमें आपने एंटर कराई थी उसमें, तो क्वालिटी क्रिकेट आप कहाँ खेलोगे? मान लीजिए 10 टीमें उसमें अच्छी होगी तो 9,990 टीमें, या चलिए 9,000 ही पकड़ लीजिए, वो तो सारी मतलब वो है ना जो कम्पिटेटिव क्रिकेट खेल ही नहीं सकती। अगर आपको अच्छा क्रिकेट कराना है, आपको कम्पिटेटिव क्रिकेट खिलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कश्मीर जिमखाना है, ACC या UCC क्लब, बड़े बड़े क्लब जो है उनको, उनके साथ इनको मैच खिलाना है, तब जाके उनको अपना वो पता चलेगा स्टैंडर्ड, और टर्फ पे खिलाना ही खिलाना है उनको। ये मतलब ये इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना मैं यहाँ पे आया, मैं कभी आया नहीं था, तो मैं यहाँ पे आया, इतना अच्छा ग्राउंड है। आप लोग अगर यहाँ पे टर्फ विकट हो, आपको एटमोसफेयर अच्छा मिलेगा, और लड़के भी आएंगे, इतनी दूर से भी आएंगे तो इतना अच्छा एंजॉय करेंगे यहाँ पे क्रिकेट खेलने का। तो लेकिन वो मुझे लग रहा है वो एसोसिएशन का काम है, वो आप लोग कर रहे हो अभी, या और कोई जगह पे किसी पे जाए, या मुझे याद है मैं पहले याद आता जब एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स होते, पहले तो बहुत ज्यादा टूर्नामेंट होते, मुझे याद है वो सोपोर में क्या उस जगह का नाम है, मदनी खाता जहाँ पे वो ईद का है, हाँ वो नूर का है ना, नूर का वहाँ पे आता था मैं खेलने, MCC जब क्लब हुआ करता था तब वहाँ पे आते थे खेलने, या और एक ग्राउंड है आपका यहाँ पे, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पे आते थे खेलने और 50-50 ओवर के मैच, 50-50 ओवर के मैच। अभी आप देखिए बदकिस्मती से एसोसिएशन में हमें खेलने को नहीं मिल रहे मैच, खेलने को नहीं मिल, एक ही टर्फ ग्राउंड है वहाँ पे भी नहीं मिल रहे खेलने को हमें मैच, तो आप खुद सोचिए कि कितना आगे हमें कंपेयर बोलते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे जब हम स्टेट खेलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो रिजल्ट आएंगे कहाँ से? जब आप उनको कम्पिटेटिव क्रिकेट खिलाओगे पूरे साल, तब जाके वो उसके लिए तैयार होंगे। और ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब चलिए आप कह रहे थे CEO आ गया, वो अच्छा करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है क्रिकेट पीछे ही जा रहा है, पीछे ही जा रहा है, आगे तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप कहोगे रासिक को हमने किया, उसको किया, वो टैलेंटेड था, वो खुद आया, आपने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया उसको खिला के या नहीं खिला के, उल्टा आपने उस पर नुकसान कर दिया, आप बेचारे को कंट्रोवर्सी। अगर आप लोगों को पता था उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसको पहले, मुझे तो नहीं पता था, आपको तो नहीं पता था, मतलब उन्हीं को पता था जिन्होंने उसको अभी ये कर दिया। बिल्कुल, तो उस बेचारे को उल्टा आपने करियर ही खराब कर दिया। एक दिन आप उसको आसमान पे चढ़ाते हो, दूसरे दिन उसके 2 साल की बैन लगा दी, तो उसके उसका क्या जुर्म है उसमें? अगर वो छोटा था, उसने कभी खेला ही नहीं था, उसको गाइड करना चाहिए था, नहीं अगर आपकी नई डेट ऑफ बर्थ है तो आप 22 में जाओ ट्राइज में। बिल्कुल ना, कि आप उस बेचारे को, आपने उसका पूरा मोरल ही डाउन कर दिया।